हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ताज़ा किचन। आज की हमारी यूनिक रेसिपी है चॉकलेट पेस्ट्री, जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बनने वाली है। एंड ये आपको तो रेसिपी बनाने के बाद ही पता चलेगा। ये बहुत ही क्विक एंड सिंपल रेसिपी है, लगते हैं सिर्फ 10 मिनट इसको बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी गाइस। आपको जिस पैन या कंटेनर में केक बनाना है, आप वो कंटेनर ले लेंगे और उसी में सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बटर लिया है एट रूम टेम्परेचर और उसको अच्छे से फेंट लिया है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर शुगर और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे धीरे धीरे करके मैदा, चोको पाउडर। फिर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें अब हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क, धीरे धीरे करके मिल्क ऐड करेंगे और इसका एक फ्लोई कंसिस्टेंसी बना लेंगे। हमें बैटर को बहुत थिक नहीं रखना है, इसको हमें थोड़ा पतला बैटर ही रखना है, वरना जो हमारी केक होगी वो जल जाएगी। और ये देखिए, हमारी बिल्कुल इस तरह की फ्लोई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब हम अपने कढ़ाई को ऐसे पैट कर देंगे 2-3 बार। फिर हम इसको गैस पर रख देंगे 10-12 मिनट्स के लिए, कवर करके लो फ्लेम पर। अब चलिए हम अपनी फ्रॉस्टिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कंटेनर में 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है और उसको अच्छे से व्हिप करना शुरू किया है। इसी बीच इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून चोको पाउडर और उसको भी अच्छे से व्हिप कर लेंगे। हमें तब तक व्हिप करना है जब तक हमें सॉफ्ट पीक्स ना मिल जाएँ। ये देखिए, व्हिप करते करते हमारी सॉफ्ट पीक्स आ गई हैं, मतलब हमारी क्रीम पूरी तरह से व्हिप हो गई है। और अब 10 मिनट के बाद हमारा केक बनके रेडी हो गया है। और अब हम एक फोक की हेल्प से इसको चेक कर लेंगे। देखिए, फोक में कहीं भी केक नहीं चिप, मतलब केक रेडी है। अब हम इस कढ़ाई में से अपने केक को निकाल लेंगे। एक नाइफ की हेल्प से इसको थोड़ा साइड से हम उठा करके एक फ्लैट स्पैचुला की हेल्प से हम दूसरे प्लेट में रख लेंगे। अब यहाँ पर हमें अपने केक को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, बिल्कुल इस तरह से। और अब आप देखिएगा, हमारे जो केक का टेक्सचर है वो कितना बढ़िया निकल कर आया है। अब हमने यहाँ पे जो सेंटर वाला पोर्शन कट किया था उसको ले लेंगे और एक बार फिर से उसको हम बीच में से काट लेंगे। और हमने अपनी जो फ्रॉस्टिंग प्रिपेयर करी थी, हम एक पार्ट में इसके ऊपर से ऐसे कवर कर देंगे। जब ये पूरी तरह से कवर हो जाए, तब दूसरे सेक्शन को इसके ऊपर हम रख देंगे और इस पूरे यूनिट को एक बार फिर हम पूरी फ्रॉस्टिंग से कवर कर देंगे। और जब पूरी फ्रॉस्टिंग कवर हो जाए, उसके बाद धीरे से हम नाइफ की हेल्प से अपने पेस्ट्रीज को कट करेंगे। तो ये देखिए, हमारी 2 पेस्ट्रीज रेडी हो गई हैं। और इसी तरह से हम अपने केक के बचे हुए पोर्शंस को कट करके उसको भी फ्रॉस्टिंग से कवर कर देंगे। आप चाहें तो अपनी पेस्ट्रीज को उसी फ्रॉस्टिंग की हेल्प से सजा सकते हैं, ऐसे फ्लावर्स बना करके, या तो फिर आप वेरियस चॉकलेट डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हैं इसको सजाने के लिए, जैसे मैंने किया है। तो हमारी सुपर सॉफ्ट एंड यमी पेस्ट्रीज तैयार हैं मिनटों में। गाइज, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।